टू डेज बैक आई हैव विजिटेड दिस सेंट्रल जेल, दिस खुदीराम बोस सेंट्रल जेल एट मुजफ्फरपुर, टू डेज बैक ओनली. एंड माई ऑब्जर्वेशन वॉज दैट इवन द कन्विक्ट्स हु वर फेसिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स, दे वर बिहेविंग सो कॉर्डियली एंड इन ए डिसिप्लिन मैनर. जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स. जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है. When I was with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation of the juveniles. Sir, can you think of, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं. जेल के अंदर देर इज ए जुबेनाइल वार्ड. हाउ देयर कैन बी ए जुबेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ? कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना. विदाउट सैंक्शन, तो सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा. तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ. मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, महिलाएं मिली, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालात में. पहले तो जरा सा ब्रीफ फैक्ट्स दे दीजिए और उसके बाद तब आगे बढ़िए. टुल्लू सिंह, इनको जो सजा हुआ है, डेट ऑफ कन्विक्शन है 21/12/2000 और फिजिकल इनका हो चुका है जो 24 साल. डेट ऑफ कन्विक्शन है इनका 21/12/2000. फिजिकल नहीं बोलिए, विथ रिमिशन 21 साल और बिना रिमिशन कितना? नहीं, फिजिकल विदाउट रिमिशन हो जो 24 साल हो चुका है इनका. विदाउट रिमिशन 24 साल जी, और विथ रिमिशन? विथ रिमिशन हो जो 30 साल हो गया है. 30 इयर्स जी. और इनको रिलीज नहीं किया जा रहा है हुजूर, इनका रिजेक्ट कर दिया गया है हुजूर. इनका किस में, कौन से सेक्शन में है कन्विक्शन? कन्विक्शन है हुजूर 302 में. 302 जी. आइए जरा, कौन से ग्राउंड पर इनका रिजेक्ट कर रहे हैं? वो ऑर्डर तो हमको हुजूर, चूंकि जेल में कम्युनिकेट नहीं हुआ इसलिए ऑर्डर हम लगाए नहीं है हुजूर. इनको एक काउंटर में कुछ लाए हैं जी? काउंटर में इन्होंने दिया है शर्मा जी ने जी? काउंटर तो आया है, काउंटर में कुछ दिया है इन्होंने. तो इसमें जो अभी हजूर जो हम दिए हैं, उसमें हजूर अभिव्यक्ति में लिखा हुआ है, याचिकाकर्ता टुल्लू सिंह उर्फ आशुतोष प्रसाद सिंह पेशस रामलगन सिंह पाला ही हजूर. ये सीरियल नंबर हम लोग के लिस्ट के अनुसार ही है. ये 33 सीरियल है हजूर. 1 पर जो है वो 33 है हजूर. अभियुक्ति हजूर 9/3/2022 को आयोजित राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिकूल प्रतिवेदन के कारण असमय कारामुक्ति का प्रस्ताव असमय. कोई रीजन है शर्मा जी? ये ऐसे, ऐसे, ऐसे कहीं रीजन दिया जाता है? क्या जानेगा कि पुलिस अधीक्षक का क्या प्रतिकूल आवेदन हुआ, क्या कंसिडरेशन है आपका? हजूर काउंटर देख लेते हैं डिटेल. आपका पुलिस अधीक्षक फिर बोलेंगे तो बहुत सी बातें जाएंगी पब्लिक डोमेन में. आपका पुलिस अधीक्षक कोई काम करता है क्या सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है? एक केस में हमने देखा कि एक चौकीदार ने लिख दिया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है ये, यही रमिशन वाले मैटर में चौकीदार ने लिखा कि ही वॉज ए ड्रेडेड क्रिमिनल, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था. एंड वो रिपोर्ट ट्रेवल किया फ्रॉम ऑफिसर इन चार्ज टू एसपी, एंड एसपी ने उसको फॉरवर्ड किया, एंड देन ऑन दैट ग्राउंड दैट रिमिशन वाज रिजेक्टेड. इसमें केवल हुजूर काउंटर जो दिए हैं उसमें हुजूर केवल 2002 का सर्कुलर लगा के और दे दिए हैं कि 2002. आपके पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की अब सैंक्टिटी नहीं रह गई है शर्मा जी. किसी को टाइम नहीं है अपना दिमाग लगाने का. ये तो ऐसे ही सेट असाइड होने लायक है ये ऑर्डर. क्या है, व्हाट इज दैट पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन?
कोई प्रतिकूल कुछ लिख दिया बिना उसको देखे हुए आपने उसको रिजेक्ट किया। आप इसी तरह से रीजंस देते हैं क्या सबका रिजेक्शन का? दो लाइन में बस लिख दिया प्रतिवेदन। पैराग्राफ नंबर 8 में हुजूर लिखा हुआ है द एसएसपी मुजफ्फरपुर भाइड मेमो नंबर 1070 डेटेड लगाया है इन्होंने जी, ब्रॉट इट ऑन रिकॉर्ड। जी ना, जी ना। तब टोटल इन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसी को कहा जाता है क्लोज माइंड से आप काम करना। इसके ऊपर ही कहते हैं आपकी 10 केस प्रतिवेदित है, he is not convict in those cases. Is it a ground? Can it be said to be a valid ground to reject his request for premature release? And that too to a person who has remained in custody for 28 years, actual custody. 20 में तो इनका जो conviction हुआ है। 2000 में। कन्विक्शन कभी भी हुआ है, 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। 24 साल जी, और रिमिशन के साथ 30 साल जी, तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? जो डिवीजन बेंच का जज, डिवीजन बोलिए शर्मा जी, देयर इज हीनियस क्राइम मिलोर्ड, द बार मिलोर्ड, देयर आर टू फोर टाइप्स ऑफ बार इनुमरेटेड इन रोमन 4 ABCD मिलोर्ड। यस पढ़िए क्या। फर्स्ट मिलोर्ड, प्रिजनर कन्विक्टेड ऑफ हीनियस ऑफेंस, ठीक है, सच एज रेप, डकैती, टेररिस्ट क्राइम ETC, these are the inclusive milord, not exhaustive, not covered, petitioner is not covered under this, he is convicted under section 302 milord and 302 is eligible for prisoner who have been convicted for organized murder in a premeditated manners and in an organized manner, that is not your case, professional murderer who have been found guilty of murder by hiring, that is also not your case, convicted prisoner who commit murder while involving in a smuggling operations, that is also not your, who are guilty of murder of public servants on, that is also not your case. So his case was not covered under the exceptions. ये हजूर इनके जो रिकॉर्ड पर पहले ये इन चारों में से कोई एक्सेप्शन अप्लाई करेगा इनके केस में? नहीं, वो तो नहीं हजूर करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा हजूर। And that is not the reason. That is not the reason provided by you for rejection. Reason is the report of SSP. Apart these bar milord, apart from these milord, the report of the presiding judge, which is the statutory requirement milord. Mr. Sharma, please confine your argument to the extent of your grounds taken in the rejection order. You cannot supplement the grounds now. My lord. The ground stated by the remission board is only one, the report of the SSP. My lord. You cannot be allowed to add grounds to that. You cannot supplement. I did not tell you the propositions of law, the first principles of law. Something which you have not stated in your order, you cannot be allowed to defeat the petitioner by adding grounds to that. On Gill wale case mein kaha gaya, Mohinder Singh Gill. Mohinder Singh Gill case. नहीं हुजूर, इसी पॉइंट पर हुजूर अभी एपेक्स कोर्ट का जजमेंट आया है, उन्होंने लगाया है अपने पेपर बुक में लास्ट लेक्चर हुजूर, उसमें एकदम क्लियर कह दिया गया है कि 14 साल और 20 साल पूरा होने के बाद स्टेट को छोड़ना है। ये कैसे हो जाएगा? छोड़ना है सर, अंटिल देयर इज इंक्वायरी मिलोर्ड एंड रिकमेंडेशंस, द लाइफ मींस होल ऑफ द बायोलॉजिकल लाइफ मिलोर्ड। इसका हुजूर पैराग्राफ 11 देखा जाएगा हुजूर, डिस्क्रिमिनेशन पे, इन द पीक एंड चूज़न बेस्ड जजमेंट मिलोर्ड, इन श्री हररन केस मिलोर्ड, all those judgments this court has considered already, all those judgments this court has considered,
और दूसरा एक बात हजूर unless, हम कहना unless the judgment हजूर, says हजूर के नॉलेज में एक बात हम लाना चाहते हैं confined till his death my lord specifically जब तक ये नहीं जजमेंट में आपको आएगा he will be entitled for the it's entitled for consideration by the by the competent authority my lord just a minute तो consideration आप देंगे within consideration the four corners in terms of the policy my lord within the four corners of the policy only show me that how his case is liable to be rejected under your policy isme to you just read out the four exceptions police report adverse hai so you read out the four exceptions my lord show me that this policy contains any stipulation that if there are some cases pending against him as under trial prisoner he would not be entitled for remission dikha dijiye you will succeed hum ye keh rahe hain jo कि दिस इज द बार दिस इज द बार दिस केस इज नॉट कवर्ड अंडर दैट बार हां दिस केस इज नॉट कवर्ड अंडर दैट बार राइट इफ द केस इज नॉट कवर्ड अंडर दैट बार मी लॉर्ड देयर इज सम अदर कंसीडरेशन मी लॉर्ड द कंसीडरेशन इज मी लॉर्ड द वन इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर द 433 इटसेल्फ मी लॉर्ड द रिपोर्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग जज मी लॉर्ड द सेकेंड इज द प्रोबेशन ऑफिसर्स मी लॉर्ड द थर्ड इज द पुलिस रिपोर्ट मी लॉर्ड एंड अदर मी लॉर्ड जेल अथॉरिटी मिलॉर्ड रिपोर्ट ऑफ द जेल अथॉरिटी फॉर द रीजंस मिलॉर्ड द जेल अथॉरिटी इज आपने यू टुक नेम ऑफ सम ऑफ द अथॉरिटीज माय लॉर्ड दिस इज नॉट योर केस दैट एनी ऑफ दोज अथॉरिटीज हैव सबमिटेड एनी एडवर्स रिपोर्ट अगेंस्ट द वन अथॉरिटी हैज सबमिटेड एडवर्स रिपोर्ट द पुलिस मिलॉर्ड नाउ पुलिस हैज सबमिटेड एडवर्स रिपोर्ट माय लॉर्ड Confine your argument to that only. Focus on that for the present. What is that report? That report says annexure P by 5. Annexure P by 5 says कि इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं लिख दिया ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे भी बोला जा सकता है जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा नहीं सिंस देयर इज 10 केसेस पेंडिंग एंड द टेंडर एज ऑफ हिज बिलोंग शर्मा 10 cases as under trial prisoner. Under trial, therefore, there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So, you are not visiting the jail premises. सुनिए. P6, my lord. सुनिए. Jail premises आपने नहीं visit किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back, I have visited the central jail. This Khudiram Bose Central Jail at Mujaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने discipline के साथ वो वहाँ थे जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस और सुनिए उसमें हमने देखा 23 जुबेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूँ अभी एंड एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से देन हिज कंप्लेंट वाज लॉस्ट ऑल दिस हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी एक वील पहले जी ऑफिसर सुने होंगे नहीं समझ सकते हैं
आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है। आई हैव इशूड सर्टेन डायरेक्शंस, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट आई वुड बी एबल टू सक्सीड, बट यस। इफ माय लॉर्ड हैज सीन द जुवेनाइल्स विद द एडल्ट्स इन द जेल, माय लॉर्ड कैनॉट इमेजिन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जुवेनाइल्स। सर, कैन यू थिंक ऑफ, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं, जेल के अंदर देयर इज अ जुवेनाइल वार्ड, हाउ देयर कैन बी अ जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ, कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना, विदाउट सैंक्शन। तो सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा, तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ दैट अ जुवेनाइल वार्ड इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस। इट कैन बी ओनली केप्ट इन रिमांड होम्स। तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा। 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गए, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है, एक प्रश्न और उठेगा कि जब ये वापस, एक प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं, हम तो प्रोड्यूस करते रहते। और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा, उसको सोसाइटी में असिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी। पढ़िए, बहुत बहुत सी किताबें हैं इसको, रिसर्च। व्हेन द प्रिजनर्स कम होम, व्हेन द प्रिजनर्स कम होम, एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देयर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें है जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, सदस्य जो हैं, इनको इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या कि नहीं, एक को हुजूर ने आज बुलाया था? सब लोग बड़े ही हैं, मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज पटना है, सब दस्तखत ही करने वाले हैं, आईजी प्रिजन है, और सबको अपने परवाह है, सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो ये आदमी रिलीज हो गया होता। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका पैराग्राफ 11 हुजूर देख लिया जाएगा जरा, उसमें देखिए जजमेंट, जजमेंट बाद में जरूरत पड़ती है, केस के पहले तो फैक्ट्स पर अपना माइंड अप्लाई कीजिए ना। वी आर ऑल, यू आर लॉयर, आई एम जज, एवरीबॉडी कैन अप्लाई हिज माइंड, इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है कभी। और दूसरा बात, हम हजूर एक बात ओवरऑल कह रहे हैं हजूर, कि आजकल कोई भी पिटीशन में सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन इतना पिटीशन है, किसी में ना तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लगाते हैं लोग, ना तो अपीलेट कोर्ट का लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि एलिगेशन क्या है, मैनर ऑफ क्राइम क्या है, ट्रायल मैनर ऑफ क्राइम क्या है। हुआ जेल में जो आदमी रह रहा है उसके परिवार को पता तक नहीं रहता है कि लेकिन रिमिशन के केस में हजूर, हम पहले पहले हर एक पिटीशन में हजूर जजमेंट लगाया जाता था, अनलेस एंड अंटिल देयर इज जजमेंट मिलॉर्ड, द मैनर ऑफ क्राइम मिलॉर्ड एंड मैनर ऑफ, बात नहीं सुन रहे हैं जी हजूर, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है जी हजूर, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है,
हजूर एक हम अपने आपको अपना जेल में अनुभव बताएं हजूर। मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, जी हजूर, महिलाएं मिली, जी हजूर, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालात में। हुजूर के यहाँ एक लेकिन वो है हजूर भूटन पासवान आपके पास आई तो कोई ना कोई तो परिकार होगा ना हजूर। आप हजूर आप प्रभु जी के लिए मुझे सम्मान है, रिमिशन बोर्ड में अगर जजमेंट नहीं रहता है कन्विक्शन का तो ये दफा कैसे लिख देते हैं कि 376 में है, 302 में है। जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ हजूर नहीं है रिपोर्ट जाता है जिसमें की दफा रहता है और रिमिशन बोर्ड के सामने क्या जाता है, योर क्लर्क्स एंड जजमेंट, योर क्लर्क्स एंड किरानी जार, योर क्लर्क्स एंड किरानी जार recording all these things and your babus are just putting their signature.